नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। मुंबई के बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी के कथित एनकाउंटर पर शिवसेना नेता संजय निरूपम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष से मेरा सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता कि बदलापुर में दो बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ था, उसमें पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। आरोपी ने पुलिस की रिवाल्वर छीनने की कोशिश की, अगर पुलिस वालों को कुछ हो जाता तो बदलापुर में जो हुआ था ये उसका बदला है। मैं नहीं कहता कि इनकाउंटर करना कानून है, लेकिन कभी कभी ऐसे दरिंदे जो हमारी बच्चियों बेटियों पर गंदी नजरें रखते हैं उनकी आंखें फोड़ने का इंतजाम करना चाहिए। जब बदलापुर की घटना हुई थी तब विपक्ष ने आरोपी को सजा देने की मांग की थी, तब वे किस कानून की बात कर रहे थे? सबसे पहली बात यह है कि जो अपोजिशन के लोग हैं उनसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि बदलापुर में जिन दो नन्ही मुन्ही बच्चियों का यौन शोषण हुआ था उस पीड़ित परिवार को न्याय मिला है? एक दूसरी बात, जो एनकाउंटर से पहले उस आरोपी ने जिस तरीके से पुलिस की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश कर उन पे हमला करने की कोशिश की, अगर पुलिस वालों को कुछ हो जाता तो बदलापुर में जो हुआ था कल उसका बदला लिया गया है और मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनकाउंटर कानून है, एनकाउंटर कानून नहीं होता, एनकाउंटर एक अपवाद होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे हैवान, ऐसे जो अमानवीय लोग हैं, ऐसे जो दरिंदे हैं जो हमारी नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ बहु बेटियों के ऊपर बुरी नजर रखते हैं उनकी आंखें फोड़ने का इंतजाम करना ही चाहिए। जब बदलापुर की घटना घटी थी तो यही अपोजिशन के लोग, विरोधी पक्ष के लोग इस प्रकार से डिमांड कर रहे थे कि उस आरोपी को भरे चौक में फांसी की सजा दे दीजिए। तब वो कौन से कानून की बात कर रहे थे? मैं महाराष्ट्र पुलिस का समर्थन करता हूं और महाराष्ट्र पुलिस का विरोध करने वाले लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि दो राज्य सरकारों का कामकाज देख लीजिए। एक तरफ पश्चिम बंगाल जहां के मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन की ममता दीदी हैं, एक महिला है, उन पर आरोप लगा कि वो बलात्कार के आरोपी को बचा रही हैं, उनके खिलाफ लगातार दो महीने तक आंदोलन चले तब जाके ममता दीदी झुकी। कांग्रेस की जो सहयोगी ममता दीदी है तब झुकी हैं। आज कांग्रेस जब महाराष्ट्र में एक बलात्कारी को सजा दी गई है उस पे आंसुए बहा रही है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, उबाठा से पूछना चाहता हूं, शरद पवार जी से पूछना चाहता हूं कि आपको, आप बलात्कारी के साथ खड़े हैं या बलात्कार को सजा देने वाले के साथ खड़े हैं? आप ममता बनर्जी के यहां जो हुआ उस पर तो आज तक कुछ बोले नहीं, बदलापुर पे पॉलिटिक्स की, अब जब न्याय मिल गया है तब इस पे कम से कम राजकारण नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। विपक्ष के लोग बार बार पिछले दिनों डिमांड कर रहे थे कि हमको लाडली बहन नहीं है, सुरक्षित बहन चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहन भी चाहिए, सुरक्षित बहन भी चाहिए और कल जो हुआ है उससे हमारे पूरे महाराष्ट्र में जो ऐसे हैवानियत करने वाले लोग हैं उनको एक सख्त संदेश दिया गया है कि अगर आपने कुछ ऐसी हरकत की तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। जो लोग हमारी बहु बेटियों की तरफ नजर उठा के देखेंगे उनकी आंखें फोड़ देनी चाहिए, यह संदेशा है।